फाइव सुपर फूड दैट फास्टली सपोर्ट योर थायराइड ग्लैंड या फिर थायराइड हेल्थ। हेलो एवरीवन, आई एम योर सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच सुपर फूड्स के बारे में जो कि थायराइड हेल्थ को बहुत तेज़ी से सपोर्ट करते हैं। चाहे आपको थायराइड की जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण हुआ हो, या फिर आपको थायराइड जो है वो किसी तरह के इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हुए हों उसके कारण हुआ हो, या फिर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, स्पेशली हॉशिमोटोज, ये हर तरीके से थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करता है। और ये एक ऐसा सुपर फूड है जो कि आपको डेली बेसिस पर जो परेशानियाँ या फिर जो सिम्टम्स आप देखते हो उनमें भी ये आपको बहुत सपोर्ट करता है, चाहे वो वेट गेन हो, स्लो मेटाबॉलिज्म हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन, और या किसी भी तरह का स्ट्रेस भी, एंजाइटी भी, ये हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं ये पांच सुपर फूड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले हम बात करेंगे पहले सुपर फूड के बारे में जो कि है स्पिनच यानी कि पालक। अक्सर ये कहा जाता है कि जिनको थायराइड होता है उनको स्पिनच यानी कि पालक नहीं खाना चाहिए, जबकि ये एक मिथ है। पालक एक सुपर फूड है जो कि ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स से लोडेड होता है जो कि आपकी थायराइड हेल्थ को बहुत तेज़ी से सपोर्ट करता है। इसको खाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि थायराइड पेशेंट हैं उनके लिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड होने के कारण ग्लैंड में इन्फ्लेमेशंस है तो, या किसी भी तरह के कोई इन्फेक्शंस वगैरह हैं, तो भी पालक के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्यूरसिटीन। क्यूरसिटीन इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि ये आपको किसी भी तरह की एलर्जीज, इन्फेक्शंस या फिर किसी भी तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। पालक के अंदर भरपूर मात्रा में आयरन भी पाया जाता है जो कि फीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी अक्सर देखी जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनको हर महीने एक जो पीरियड्स की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, उस दौरान उनका आयरन जो होता है, आयरन लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर जाता है। इसलिए डेली बेसिस पर अगर हफ्ते में 2 से 3 बार वो अपने डाइट के अंदर पालक को इंक्लूड करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स है आयरन की ये सॉल्व हो जाती है। 80% वुमेन जिनको थायराइड है उनके अंदर आयरन के साथ साथ B12 की डिफिशेंसी भी हमेशा देखी जाती है, जिसको फॉलिक एसिड के साथ रिकवर किया जाता है जो कि पालक के अंदर पाया जाता है। पालक एक ऐसा सुपर फूड है जो कि थायराइड के लिए ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स से लोडेड होता है, लेकिन इसको रॉ फॉर्म में खाना एक थायराइड पेशेंट के लिए सही नहीं होता है। इसको ब्लांच करके यानी कि उबलते हुए पानी में डालना है 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद इसको निकाल लेना है और वॉश करके इसको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम उबलते हुए पानी में पालक की लीव्स को डाल देंगे तो सारे विटामिन्स और मिनरल्स तो उस पालक के पानी में चले जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जो उसके साथ जो केमिकल्स होते हैं या फिर ऐसी बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि पालक के ऊपर होते हैं, वो पानी में इजीली निकल जाते हैं, और जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं पालक के अंदर वो उसके अंदर पैक्ड हो जाते हैं। उसके बाद जब आप उसको वॉश करके कंज्यूम करते हैं तो पूरे बेनिफिट जो होते हैं वो पालक के आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगी कि काफ़ी जगह ऐसा बोला जाता है कि पालक को डायरेक्ट आप स्मूदीज के अंदर ऐड कर सकते हो उसको वॉश करके, जबकि एक थायराइड पेशेंट को जब भी अपनी स्मूदी के अंदर पालक को ऐड करना हो वो हमेशा उसको ब्लांच करें, धोएं और उसके बाद उसको अपनी जो स्मूदीज है उसके अंदर ऐड करें। सेकंड सुपर फूड है पम्पकिन सीड्स। दीज टाइनी सीड्स आर हाई इन फाइबर, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स, लेकिन पम्पकिन सीड के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाया जाने वाला है जिंक एंड मैग्नीशियम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक थायराइड पेशेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जिंक एंड मैग्नीशियम थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में तो हेल्प करता ही है, लेकिन ये इनएक्टिव थायराइड हार्मोन यानी कि T4 को ज़रूरत के हिसाब से एक्टिव थायराइड हार्मोन यानी कि T3 में कन्वर्ट करने का भी
काम करता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए पम्पकिन सीड्स को डेली अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि न सिर्फ पम्पकिन सीड्स बल्कि पम्पकिन, जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं, जिन लोगों को थायराइड होता है या फिर नॉन थायराइड पेशेंट भी जो होते हैं, जो डेली बेसिस पर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं, जो डेली बेसिस पर इसबगोल या फिर त्रिफला या फिर इस तरह की कोई भी आयुर्वेदिक चूर्ण लेते हैं जिससे कि उनका स्टूल जो है वो मॉर्निंग में पास हो जाता है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए, अगर वो अपने डिनर को पम्पकिन की सब्जी यानी कि कद्दू की सब्जी या फिर कद्दू के सूप के साथ अगर उसको रिप्लेस कर देते हैं तो आपको मॉर्निंग में स्टूल पास करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसको आप एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये जो है काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड जो है, मेरे जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके साथ ये मैंने देखा है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट, तीसरा जो सुपर फूड है वो है ब्राज़ील नट। ब्राज़ील नट सिलेनियम में बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिलेनियम थायराइड पेशेंट में सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव होता है जिन लोगों को ऑटोइम्यून यानी कि हॉशिमोटोज होता है। उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में एंटी टीपीओ यानी कि थायराइड परोक्सीडेज एंटीबॉडीज अक्सर रेंज में ज़्यादा ही देखा जाता है, जिसको हम थायराइड एंटीबॉडीज भी कहते हैं। सिलेनियम इन एंटी टीपीओ को नेचुरली रिवर्स करता है, जबकि डॉक्टर्स आपके बढ़े हुए एंटीबॉडीज़ जो कि आपकी बॉडी पर कहीं पर भी अटैक कर रहे हैं उसके लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिलेनियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली आपके ओवर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो चुका है आपके बॉडी के अंदर, आपके थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, आपकी बोन्स का यानी कि आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है, आपके स्किन के ऊपर अटैक करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है उन सब के ऊपर अटैक करता है। उसको सप्रेस यानी कि नेचुरली सप्रेस करने के लिए सिलेनियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये आपको मिलता है ब्राज़ील नट में। तो लेकिन इसके साथ जो ब्राज़ील नट होता है ना, इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि अक्सर ब्राज़ील नट शिपिंग के दौरान ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए ये बॉडी में सिलेनियम देने के साथ साथ कई बार आपको टॉक्सिन्स भी प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशंस और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती हैं। सो अगर आप ब्राज़ील नट को लेते हैं तो उसके अंदर आने वाली जो रैंसिड स्मेल होती है, जैसे कि बीज सील जाता है वैसी स्मेल होती है, उसको पहचाने वो फ्रेश है या फिर उसके अंदर का जो ऑयल है वो ख़राब हो गया है। क्योंकि ब्राज़ील नट है तो एक नट, और किसी भी नट और सीड के अंदर अपना एक ऑयल यानी कि तेल होता है जिसकी शेल्फ लाइफ भी लिमिटेड होती है। एंड सेकेंड थिंग, जहाँ तक हो सके फ्रेश ब्राज़ील नट, या फिर क्योंकि ब्राज़ील नट इंडिया के अंदर मिलना जो होता है, जो फ्रेशली मिल सके वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो इसकी पैदावार होती है वो इंडिया में नहीं होती है। तो बेस्ट होता है या तो आप ऐसा ब्राज़ील नट प्रेफर करें जिसके अंदर की रेंसिड स्मेल ना आ रही हो, जिसके अंदर से कोई बासी स्मेल ना आ रही हो, या फिर सिलेनियम का अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज है तो। फोर्थ नंबर पर आता है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल एक फूड नहीं है, एक फूल है, फ्लावर जिसको हम बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसीलिए मैंने इसको सुपर फूड की श्रेणी के अंदर इंक्लूड किया है। कैमोमाइल टी फूलों से बनी हुई एक चाय या फिर फूलों से बना हुआ इन्फ्यूज वाटर होता है। ये एक एडेप्टोजेनिक हर्ब होती है। कैमोमाइल क्या करता है? कैमोमाइल आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। अगर आप किसी भी कारण से रात को सो नहीं पाते हैं तो कैमोमाइल टी न सिर्फ आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है बल्कि आपको भी पूरी तरीके से रिलैक्स करता है, जिससे कि आप रात भर अच्छे से सो पाते हैं और आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि चाहे आप कितना भी अच्छा फूड या फिर कितने भी अच्छे सप्लीमेंट को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, लेकिन अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है या फिर अगर आप स्ट्रेस में पूरे दिन रहते हैं तो आपके हॉर्मोन्स ना तो ठीक से बन पाएंगे और ना ही ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। स्पेशली थायराइड हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन आपके स्ट्रेस के लिए बहुत इम्पैक्ट डालता है, इसलिए रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी जैसी एडेप्टोजेनिक हर्ब को
आफ्टर डिनर ज़रूर इंक्लूड करें, और उसके बाद नो स्क्रीन, क्योंकि आपका ब्रेन धीरे धीरे करके रिलैक्स होने लगता है, एंड दैट टाइम ब्लू स्क्रीन आपकी स्लीप को इंटरफेयर करती है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अवॉइड फोन्स एंड टीवी आफ्टर कंज्यूमिंग दिस टी. फिफ्थ जो सुपर फूड है उसका नाम है कोकोनट, और ये हम सब जानते हैं कि कोकोनट जो होता है थायराइड पेशेंट के लिए वरदान होता है. अब कोकोनट को चाहे आप किसी भी फॉर्म में लो, कोकोनट वाटर, रॉ कोकोनट, ड्राई कोकोनट, कोकोनट ऑयल या फिर कोकोनट मिल्क. कोकोनट के अंदर पाया जाने वाला मैग्नीज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार आप देखा गया है कि अक्सर लोगों का जो थायराइड ग्लैंड होता है वो काफ़ी स्वेल होता है, यानी कि सूजा हुआ होता है. ऐसे जो थायराइड पेशेंट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनके थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई है, या फिर उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी एनलार्ज हो गया है. तो कोकोनट ऑयल के अंदर पाया जाने वाला मैग्नीज थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर शेप में रखने का काम करता है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा कोकोनट ऑयल के अंदर MCT ऑयल यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल्स भी पाए जाते हैं, जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ साथ ब्रेन के लिए भी बहुत सपोर्ट करने का काम करते हैं. इसके अलावा कोकोनट ऑयल के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है, जो कि थायराइड ग्लैंड में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शंस या फिर इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करती है. और इसके अलावा ना ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं और जिनके अंदर ऐसे बहुत तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स से वो लोडेड होते हैं, जो कि आपके थायराइड हेल्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन ये 5 सुपर फूड्स थायराइड पेशेंट को अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, सच अ ब्यूटिफुल एंड हेल्दी कॉन्टेंट. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय.